जी विक्टीम फॅमिलीची जो भाव आयिल्लो हांगा ते शिवानी राजावताचो जो भाव गोंयांत आयिल्लो इन्क्वेस्ट पंचनामाच्या टायमार ताणें खंय डेप्युटी कलेक्टराक सांगिल्लें आसा की दे आर फीलिंग दॅट इट इज नॉट एन एक्सिडेंट की उसमें सिलेंडर ब्लास्ट का जो सोच किया है वो उसमें कहीं भी ऐसे मुझे दिखा नहीं की सिलेंडर का कुछ भी ब्लास्ट हुआ ना ना सिलेंडर बर्न हुआ है ना गैस कुछ हुआ है ना उसके गैस के पाइप को कुछ हुआ है और सिर्फ पुलिस ने सर ये गलती की कि अगर ब्लास्ट हुआ था और उनकी सडनली वहाँ डेथ हो गई थी तो वहाँ फॉरेंसिक की टीम को ले जाना था उनको ये बताना था कि उसकी इन्वेस्टिगेट करें और जो एविडेंस है वहाँ से कलेक्ट करें कि ब्लास्ट हुआ कैसे जब वो क्लियर हो जाए कंफर्म हो जाए कि हाँ वो एलपीजी का ब्लास्ट था और वो मतलब एक एक्सीडेंट था तो उसके बाद उनको वो वहाँ से उठा सकते थे लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो उसको बॉडी को उठा लिया वहां से उसके बाद ब्लैक लॉक करवा दिया उसमें बहुत सारे लोग आए गए क्या हुआ एविडेंस के साथ भी इधर उधर हो चुका किसी ने वहां ना फिंगरप्रिंट्स लिए ना किसी ने कुछ भी नहीं किया कोई एविडेंस नहीं जब मैंने एसडीएम को कंप्लेन किया उसके बाद वो टीम लेके पहुंचे तब तक एविडेंस के साथ कितना कुछ हो चुका अगर एक्सीडेंट है तो वो नेचुरल है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो एक्सीडेंट है मुझे लग रहा है वो मर्डर है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी बहन का पिछले मतलब 6-7 महीने से ऐसा चल रहा था कि वो प्रेग्नेंट थी और एक जो उसका हस्बैंड था उसका किसी लड़की से बातचीत थी तो उसने मेरे को बताया था कि भैया वो किसी से बातचीत करते हैं और उसको पता चला तो झगड़ा था थोड़ा सा उसने मम्मी को वहाँ बुलाया हुआ था और इन लोगों ने क्या है इस बात पर काफ़ी झगड़ा चल रहा था वो बोल रहे थे कि उसको उसके ससुराल भेजेंगे और मेरी माँ चाह रही थी कि उसको अपने घर पे लेके आएंगे जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती 18 को जो हुआ उसको उनका निकलने का था गोवा से ग्वालियर के लिए बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज इसको ना CBI को उसको पहुँचा दीजिए मेरे IT और मेरे सीनियर ऑफिसर से भी मेरी बात हुई है उसके बाद फिर एप्लीकेशन लगाना CM को लगाना लग्नाच्या 7 वर्सां भितर मरण आयिल्ल्या शिवानीच्या केशीची चौकशी करपी SDM-कडेनूय शुभमान कागाळ केल्या जे आतां आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन आयलां बिकॉज दी मॅरेज वॉज इन टू 7 इयर्स 7 वर्सां पयलीं जेन्ना एक डॅथ जाता हजबंड वायफाचो अंडर सेक्शन 176 CRPC हाजें रिजन टू फायंड द रिजन फॉर डॅथ हाजी इन्क्वायरी मॅजिस्ट्रेट करता डेप्युटी कलेक्टर करता प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी वास्को सावन विक्रम नायक